लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुंबई के शाहीन बाग में महिला और पुलिस के बीच हुई झड़प। दरअसल मुंबई के शाहीन बाग में धूप से बचने के लिए ऊपर साइड बड़ा कपड़ा लगाया गया था, जिसके बाद सुबह पुलिस आकर उस कपड़े को हटाने लगी, जिसके बाद मुंबई बाग की लेडीज और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की छतरी भी छीन लिया गया, जिसमें 3 महिला घायल हुई जिन्हें नायर हॉस्पिटल ले जाया गया। मुंबई बाग की लेडीज प्रोटेस्टर का कहना है कि सीनियर इंस्पेक्टर शालिनी शर्मा के ऊपर एक्शन लिया जाए और शालिनी शर्मा मुर्दाबाद के नारे भी लगाएगा। नागपाड़ा जंक्शन में लोगों ने घेराव किया और रास्ता रोको आंदोलन कर अपना गुस्सा जाहिर किया और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं स्थानीय आमदार अमीन पटेल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP और मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपील की है कि अमन और शांति बनाए रखें। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा को इंक्वायरी तक टेम्पररी वक्त के लिए हटा दिया गया है। मुंबई से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध। अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।